हेलो एवरीवन, और बहुत ज़्यादा लेट आने के लिए जन्माष्टमी का ब्लॉग। ये सेकंड ब्लॉग है, मैंने फर्स्ट ब्लॉग में हर्चाट और जन्माष्टमी ब्लॉग दोनों मिक्स करके डाला था, और ये सेकंड ब्लॉग है जन्माष्टमी का। तो बस बहुत ज़्यादा लेट है, उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी है, क्योंकि सबके जन्माष्टमी के ब्लॉग तो ब्लॉग छठी के ब्लॉग के बाद भी काफ़ी सारे ब्लॉग आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोग मेरे ब्लॉग को प्यार देते रहिएगा। दो तीन दिन में एक ब्लॉग डाल ही देती हूँ। अब इधर मेरी तबीयत भी नहीं ठीक चल रही है, पता नहीं क्या हो गया है, जुकाम खांसी सही होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आवाज़ भी मेरी लग रही होगी, और पता नहीं यहाँ नीचे कोई घंटा बजा रहा है तो उसी की आवाज़ आ रही है। मैं काफ़ी देर तक रुकी रही लेकिन कोई बंद ही नहीं कर रहा है। तो ये सिंगाड़े के पराठे जन्माष्टमी में ये व्रत है श्रेया के पापा, क्योंकि शाम को जन्म करना है तो ये शुरू से ही व्रत रह रहे हैं। तो शाम को जब जन्म कर लेंगे तब व्रत खोलेंगे। तो फरारी वगैरह सिंधिया नमक वगैरह ले लेते हैं। तो दोपहर का समय था, मैंने दिखाया था पिछले ब्लॉग में कि मैंने मट्ठा के आलू बनाए थे, तो सबके लिए ही बना लिए थे, और ये सिंगाड़े के पराठे बना रही हूँ। तो आप इसमें आलू या घुइयां कुछ भी मिक्स कर दीजिए, वैसे ऐसे नहीं बनेंगे। अगर आप आलू उबले हुए या घुइयां उबली हुई नहीं मिक्स करेंगे तो ये बनेंगे नहीं पराठे। देखिए बार बार घंटा बंद हो जाता, फिर बोलने लगता है। तो मेरी तो ये मैंने बनाई थी मखाने को पीस कर, मतलब टुर्रू की खीर बोलते हैं इसको, तो ये खीर बनाई थी उस पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था। तो आपने ना चेक देखा हो तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। और जन्माष्टमी हरचट का ब्लॉग मिक्स है, और ये पूरा जन्माष्टमी का ही ब्लॉग है। तो मैंने किस तरह से जन्माष्टमी बनाई, तो इनके लिए सिर्फ सिंगाड़े के पराठे बनाए थे, मैंने अपने लोगों के लिए तो गेहूँ के बनाए थे, लेकिन हाँ मट्ठा के आलू से खाया था। और इधर जो लई बनाई थी तो वो भी मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाई किस तरह से मैंने लई बनाई है। तो ये जो अलमारी वगैरह अगर आपको डेकोरेट करनी है भगवान जी की कागज़ से, तो लई बना लीजिए घर पर बहुत ही आसानी से, और बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से कागज़ वगैरह चिपक जाते हैं। जैसे आपकी बुके वगैरह भी फट गई हो, पन्ने वगैरह, तो उनको भी सिलाई से जोड़ सकते हैं। और तो ये इस तरह से अंशु चिपका रहा था, ठंडी हो गई थी थोड़ी, ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए, हाँ ठंडी हो गई थी। उधर अंशु डेकोरेशन कर रहा है मंदिर की, और इधर मैं मेवे की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी मेरे यहाँ उसी दिन मतलब ताज़ा ही पाका जाता है मेवा। तो किस तरह से पाकी जाती, खोए वगैरह वाली नहीं होती जिससे खोया वगैरह डालकर बनाई जाए पीस कर, वैसे नहीं, सिर्फ खड़ी मेवा ही पकती है मेरे यहाँ, और बहुत अच्छी भी लगती है। तो एक बार आप लोग ऐसी मेवा ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये रात को ही मैंने कट करके रख ली थी कल ही, क्योंकि आज मेरे पास इतना टाइम थोड़ा नहीं था कि मैं इसको कट करती फिर बनाती, पूरा दिन काम ही काम है। तो मैंने जो कट करने वाली चीज़ें, जैसे मखाना थे और छुहारे थे, गरी कद्दूकस करनी थी या काटनी थी, सब कुछ मैंने वो रात ही को कर लिया था। और इधर मैंने गोंद को कढ़ाई में पहले, सबसे पहले गोंद को मैंने बिना घी के मतलब इस तरह से रोस्ट कर लिया है, इस तरह से देखिए, इस तरह फूल गया तो घी में बहुत जल्दी आसानी से तल जाएगा और ये चिपकेगा भी नहीं। वैसे अगर आप सीधा डायरेक्ट घी में भूंजेंगे तो घी भी ज़्यादा लेगा आपका, और जो दांतों में चिपकेगा भी। तो ये मैंने रोस्ट कर, जो रोस्ट करने वाली चीज़ें हैं मैंने बिना ऑयल के, जो घी के बिना, तो वो मैंने रोस्ट कर ली है। तो महंगी थी, महंगी आपको बहुत कम लग रही होगी क्योंकि मैंने बाज़ार से मंगाई नहीं मार्केट से, और मैंने घर में ही थोड़ी सी छील ली, मैंने कहा बाद में देखी जाएगी, क्योंकि पांच तरह की मेवा तो एक साथ मिक्स करके बनानी ही है। तो बस मैंने मेवा, और मेरे मायके में तो ये मेवा जितनी भी है सब अलग अलग बनती है, जैसे गोंद अलग, गरी अलग, मखाने अलग, जो भी मतलब मेवा है सब अलग अलग बनती है। मेरे यहाँ ससुराल में सब एक साथ ही मतलब डाली जाती, पाकी जाती है। तो जैसे भी आप चाहें वैसे कर सकते हैं, अलग अलग चाहे तो अलग अलग, और एक साथ तो एक साथ, यहाँ एक साथ बनती तो मैं एक साथ ही बनाती हूँ। तो ये देखिए, जो फिर गोंद को मैंने देसी घी डाल लिया था, गोंद को फ्राई कर लिया था, एक तो जल्दी से निकल भी आया फ्राई होने के बाद, और ज़्यादा घी भी नहीं लगा। तो देसी घी से गोंद को फ्राई करिएगा, उसके बाद जो देसी घी बचा था थोड़ा और डालकर मैंने मखाने को अच्छी तरीके से उसी में कलार लिया है। अच्छे से कुरकुरे मखाने हो गए तो मैंने इनको निकाल लिया है। तो ये देखिए, जो चीज़ मैंने सिर्फ छुहारे मैंने नहीं रोस्ट करे थे, और सब मैंने रोस्ट कर, जो रोस्ट करने वाली चीज़ थी रोस्ट करी थी, जो तलने वाली चीज़ थी कलारने वाली घी डालकर वो कला रही थी। और इन सब चीज़ों को निकाल कर फिर मैंने उसी कढ़ाई में पौन गिलास के करीब पानी डाल दिया है, और एक जो छोटी खाने वाली कटोरी होती वो मैंने चीनी डाल दी है, और इसको मैं एक तार के लिए तैयार कर लूँगी। चाशनी एक तार की हो जाएगी तो मैं इसको गैस को बंद कर दूँगी। और मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी, मेरे कान तो इतने भारी भारी से लग रहा है, मुझे पता ही नहीं कि मेरे झन झन सी आवाज़ से आ रही है। और ये देखिए, एक तार की चाशनी हो गई। तो मैंने सारी मेवा, जो गोंद था, गरी थी, छुआरे थे, मींगी, मींगी बहुत थोड़ी थी, मतलब मींगी क्या, वो खरबूजे के बीज, और ये मखाने, इन सबको मैंने डालकर चला लिया। तो ये चला लेने के बाद मैं इसको छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए, तो ये बिल्कुल अच्छी सी खड़ी खड़ी सी मेवा हो जाएगी, क्योंकि अभी तो गर्म है ना ये, तो
तो देखिए इस तरह से मैं पूरी चला लूँगी क्योंकि चाशनी पूरे में मेवा में मेल्ट हो जाए, तो इस तरह से मैं चला लूँगी। और ये मेवा एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, अगर ना बनाई हो तो बहुत अच्छी लगती है। तो अंशु लोगों को इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, कभी कभी मुझे जन्माष्टमी बनानी पड़ती, बीच में बनवा लेता है कि मम्मी वाली मेवा बना, तो मैं ये वाली मेवा सभी को बहुत अच्छी लगती है, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करें अगर ऐसी ना बनाई हो। तो ये देखिए इस तरह से मेवा तैयार हो चुकी है, और एक एक खिली खिली मेवा रहेगी अगर आप चलाते रहेंगे, वरना इसमें चाशनी की वजह से एकदम से चपकेगी नहीं एक दूसरे में। और ये जो पंजीरी मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाई थी, आटा मैंने भून के रख लिया था, ठंडा हो चुका है, तो अब मैं इसमें भूरा शक्कर जो पूरी पिसी हुई चीनी होती है वो मैंने डाल दी है, और इसमें भी पंच मेवा जाएगी, तो किशमिश है, चिरौंजी है, छुहारे हैं, मखाना है, तो ये देखिए गरीब बुरादा वाली है, तो ये सब मेवा जाएगी इसमें। और बस मैं इसको भी बनाकर, पंचामृत मैंने पिछले ब्लॉग में बनाकर रख दिया था, मतलब दिखाया है पिछले ब्लॉग में, एक दिन तो एक ही था लेकिन दो ब्लॉग करने पड़े क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, तो एक दिन में मैंने कितना तो सारा काम किया है। चाय नाश्ता करने और एक डेढ़ घंटा कभी लोगों ने ब्रेक ले लिया था क्योंकि इतना ज़्यादा थक गए थे कि मेवा करके रख गई थी, अब देखने आई ठंडी भी होगी, वैसे अभी भगवान सजे भी नहीं है, मतलब अभी अलमारी तक नहीं अभी डेकोरेट हुई है, तो अभी होगी, अभी तो टाइम 12 बजे तक चलेगा, लेकिन मैं बहुत थक बहुत ज़्यादा गई हूँ और फीवर भी फिर से आ गया। तो ये मैं मेवा आपको दिखा रही थी कि कितनी आवाज़ कर रही है, तो बहुत ज़्यादा कुरकुरी, बहुत ही अच्छी मेवा हो चुकी है, बिल्कुल भी सॉफ्टनेस नहीं रही कि चाशनी से बिल्कुल मुलायम सी मखाने वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत ही अच्छी क्रिस्पी मेवा बनी है। और ये देखिए थोड़ा बहुत सज चुके हैं, अभी ज़्यादा तो नहीं सजे हैं लेकिन हाँ रात तक सज ही जाएंगे, मैं और अंशु मिलकर कर ही लूँगी। तो ये सिंहासन मैंने धोए थे तो ये सब मैं लगा रही हूँ, और ये देखिए, और ये मैं हरिद्वार गई थी, तो हरिद्वार वाले ब्लॉग अगर आप लोगों ने ना देखे हैं तो ज़रूर जाकर देखिएगा, नैनीताल हरिद्वार गई थी, तो वो मैंने जून में गई थी, तो ये वही हरिद्वार से मैं लाई थी कान्हा जी के लिए, तो ये बांसुरी है, माला है, पगड़ी है और ड्रेस है, कैसी लग रही है ड्रेस आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और ये अंशु की राखी बंधी हुई है रक्षाबंधन की, तो ये देखिए अंशु को शौक है हाथों में राखी वगैरह, ज़्यादा दिन तक वो बांधे रहता है, तो ये देखिए कान्हा जी को वही तैयार कर रहा था, तो ये हमारे कान्हा जी तैयार हो चुके हैं, तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, उनकी ड्रेस कैसी लग रही, बहुत प्यारी लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, मैं ये बोले दे रही हूँ। और ये माला मंगा लिया था तो बाद में माला अंशु ने पहना दिया, पूरे कान्हा जी तैयार हो चुके हैं बर्थडे के लिए, तो ये देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं, जैसे लग रहा बोल ही देंगे। और ये गणेश लक्ष्मी के लिए फिर मैंने यहीं से माला मंगा ली थी, तो ये नगदार अंशु लेकर आया था माला, और ये देखिए ड्रेस उनकी पीली और लक्ष्मी जी की लाल है। और ये जो मैं श्रेया ने शायद मुझे बर्थडे में दिया था, श्रेया अंशु ने मिलकर ये हम लोग की शादी सालगिरह में दिया था, ये बर्थडे में दिया था, तो वही रखा था, तो मैंने कान्हा जी को निकाल लिया। और ये मुझे कहीं मिला था गिफ्ट में शादी में, तो वो मैंने चांदी के हैं, ये शंकर जी की फैमिली है तो मढ़े हुए हैं ये चांदी जी चांदी में, तो वो मैंने निकाल लिए हैं। तो मैं हर चीज़ मतलब इस डेली इस्तेमाल नहीं करती हूँ, फिर वो ख़राब हो जाते हैं, तो मैं रखे रहती हूँ ऐसे वेकेशन के लिए, जैसे जन्माष्टमी हुई या दीपावली में ऐसे कोई त्यौहार हुआ तो मैं के लिए निकाल लूँ और लगा दूँ, फिर रख दूँ। तो ये देखिए, और फिर ये रात हो गई थी, ये भी आ गए थे, तो ये अंशु मिलकर कर रहे थे, तो मैंने और इधर मैं उनको मतलब दोपहर को तो खाना खा ही चुके थे सिंगाड़े के पराठे, तो रात को मैंने सोचा चलो मैं हम लोग तो दरिया बना खा लेंगे, इनके लिए सिंगाड़े की पूड़ी बना दी थी, कूटू की बनाई थी कूटू की। और ये देखिए जाकी बिल्कुल झालर वगैरह सब लग चुकी है, इधर मैंने चाय बना दी उनकी, कूटू की पूड़ी और टमाटर की चटनी पीस दी थी, तो ये और इधर ये देखिए हमारी झाकी कैसी लग रही है आप लोगों को, हमारी क्या कान्हा जी के लिए बर्थडे का जो सजावट है वो देखिए कैसी लग रही है आप लोगों को, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, अंशु ने बड़ी मेहनत करी थी सजाने में, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मेरा अंशु भी खुश हो जाएगा, उसकी मेहनत रंग लाएगी। तो पूरा दिन वो लगा रहा, वो भी थोड़ी देर मैंने कहा उसे थोड़ी देर सो लो, तो सो गया था, फिर उसके बाद उसने और इधर देखिए पकौड़ी मैं झाकी दिखा रही थी, उसके बाद देखिए चाय बन चुकी, चटनी पकौड़ी मैं इनको देने जा रही हूँ, और हम लोग तो दरिया वगैरह खा लेंगे। ये मेरे कान्हा जी,
मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन मैंने सोचा चलो वीडियो इतना इतने दिन हो गया है, तभी जुकाम की वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए थोड़ा और डिले हो गया। लेकिन यह है ना कि फिर ब्लॉग तो जन्माष्टमी का है तो कितना लंबा मैं देती, तो मैंने सोचा चलो डाल ही देती हूँ। तो ये देखिए झांकी आपको कैसी लग रही, ज़रूर बताइएगा कमेंट में, प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको कान्हा जी की झांकी अच्छी लग रही हो तो। बाद में लास्ट में गुब्बारे रह गए थे, तो फिर अंतु ने बाद में, मैं इसीलिए दिखा रही हूँ गुब्बारे अंतु ने बाद में लगा दिए थे कि पूरी बर्थडे उसने सेलिब्रेट करी थी, कि दीदी की बर्थडे अभी हुई थी 2 सितंबर को। अगर श्रेया की बर्थडे ब्लॉग ना देखा हो आप लोगों ने, अगर नए हो तो ज़रूर जाकर देख चेक कर ले। और ये नीलकंठ बाबा है, जब मैं हरिद्वार गई थी तो नीलकंठ भी गई थी तो वहीं से फ़ोटो लेकर आई थी। ये राम दरबार है, और लास्ट में रात हो गई थी तो मैं सब सामान, क्योंकि नेवला रहता है ना मेरे यहाँ, तो मैं बहुत किचन में रखे थी, अब मैं लेकर आई हूँ कि रात हो चुकी है अब शहद ना है। तो फल निकालिए थे, सेब थे, केला थे, और ये पंचामृत था, तो मैंने शहद और गंगा जल, मैंने बोल रही थी मिलाने को तो बस वही रह गया था, तो मैं वही गंगा जल और शहद मिला रही थी। और मैंने कपड़े भी चेंज, मैंने सुबह से बोला भी था कि मैं गाउन पहन के ही सारे काम कर रही, मुझे इतनी तबीयत ख़राब थी, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कपड़े चेंज करूँ, मैंने वैसे ही ब्लॉग बना लिया। और फिर लास्ट में रात को नहाया, फिर मैंने सूट चेंज किया, तो उसके बाद क्योंकि कान्हा जी का बर्थडे करना है आज, तो फिर क्योंकि सुबह से काम में लगी थी तो मैंने सोचा नहा कर कपड़े चेंज कर लेती हूँ। और थोड़ी देर रह गई थी कान्हा जी की बर्थडे में, तो मैंने सोचा चलो दीपक वगैरह जला लेती हूँ, तैयारी कर लेती हूँ, और थोड़ा सा भजन वगैरह कर लूँगी, तो आधा घंटा पौन घंटा ऐसे ही बीत जाएगा। ये अगरबत्ती वगैरह धूप बत्ती सब मैंने लगा दी है। आप लोग कान्हा जी की बर्थडे कैसे, सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होती हैं, तो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। बस हम लोगों का, और ये खीरा आ गया था, नारे वाला खीरा होता है, तो यही बोलो ना ये व्रत रहते हैं तो यही काटते हैं, तो इन्होंने खीरा भी कट कर दिया है, और कान्हा जी का जन्म करने जा रहे हैं। तो ये चरणामृत में सब कुछ मिला हुआ है, मेवा भी है, दही भी है, दूध भी है, गंगा जल भी है, शहद भी है, तो इसी में हमारे यहाँ नहला दिए जाते हैं। ये देखिए सब कुछ इसी में मिला हुआ है, और इसके बाद सादे पानी से इनको नहला कर बैठा लेंगे, तो इसी में तो ये प्रसाद हो गया हमारा कान्हा जी का। और बस मैं कपड़े पहना रही थी, इन्होंने कर दिया था और मैं कपड़े पहना रही थी। बस उसके बाद हम लोगों ने आरती वगैरह करी, अंशु ने शंख बजा दिया, और हमारे कान्हा जी का जन्म भी हो गया। फिर उसके बाद जन्म लेने होने के बाद फिर हम लोगों ने प्रसाद वगैरह लिया, और फिर आधा घंटा लग गया सब चीज़ों समेटा वमेटा, और फिर सो गए। तो आप लोगों ने कान्हा जी का जन्म कैसे मनाया था आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, लेट के लिए फिर से सॉरी। और कान्हा जी के आप लोग भी आरती ले लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। बाय, खुश रहिए, खुशहाली, जय कन्हैया लाल।